हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। तो दोस्तों, हमारे पास ये इंटेक्स का होम थिएटर है। इसको हमने क्या करना है, इस ब्लूटूथ चिप से, इस पर हमने ये ब्लूटूथ चिप लगानी है। ये अभी नॉन ब्लूटूथ वाला है, जो इसकी पीछे ऑक्स केबल होती है उसके थ्रू क्या करता है, इसमें म्यूजिक प्ले होता है। तो इसको ब्लूटूथ वाला बनाना है। तो मेरे पास ये ब्लूटूथ वाली चिप है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चिप है, सस्ते में मिल जाती है काफ़ी। तो मैंने इसको खोल रखा है और कुछ मॉडिफिकेशन कर रखा है। फिर मुझे लगा कि मैंने वीडियो बनानी चाहिए, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो इसका कैपेसिटर है, पावर सप्लाई आ रही है, ये जो 909 की, यहाँ पे हमारा 18 वोल्ट आ रहा है। इस पर हमारा 18 वोल्ट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक 7808, उसके बाद 7805, दो क्या लगा दिए मैंने, ये रेगुलेटर लगा रखे हैं। 7808 यानी 18 वोल्ट को 8 वोल्ट में बदलेगा, 7805 यानी 8 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदलेगा, और उससे मैंने ये आउटपुट ले लिया है। और उसके बाद मेरे पास जो सिग्नल इन थे वो ये रहे, आप देख सकते हैं, ये इसमें जो ये है, ये भूरा सा वायर, ये हमारा ग्राउंड है, बाकी ये दोनों लेफ्ट राइट चैनल है, ये दोनों। तो अब हम इस पर इसके अब क्या करेंगे, हम इस पर इसके क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। ये देख सकते हैं, ये दोनों हमारे लेफ्ट राइट हैं, ये ब्लैक और रेड, और ये भूरा वाला क्या हमारा ग्राउंड है। और उसके बाद ये हमारा पावर है, इस पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सबसे इस तरफ हो गया आपका लेफ्ट आउट, दूसरा ए ग्राउंड, राइट VCC और ग्राउंड। तो हम ग्राउंड दोनों में से कोई सा भी एक जोड़ेंगे, उससे ही काम चल जाएगा। तो मैं अब इसके कनेक्शन करता हूँ, आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर हल्का हल्का सा सोल्डर लगा लेता हूँ इसके पॉइंटों पर। आयरन मेरा बंद है, मैं इसको ऑन करके, ये हमारा इस पर सोल्डर लग चुका है, अब हम इस पर इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ये ग्राउंड, तो ये हमारा ग्राउंड कनेक्ट हो चुका है। अब आता है VCC, ये भी कनेक्ट हो चुका है। आप इसको यहाँ से कनेक्शन ना दें, क्योंकि ये आपको पकड़ने में भी दिक्कत होगी, इसलिए इसको कनेक्शन दें यहाँ से। ये हो गया हमारा लेफ्ट राइट वाला, ये हो गया हमारा लेफ्ट। हम दोनों में से कोई एक ही ग्राउंड दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सभी ग्राउंड दे दें, तब भी काम चल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। ये हमारा माइनस है पावर का, ये रेड वाला 5 वोल्ट है, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये बीच वाला ग्राउंड हो गया। तो इसमें क्या था, जो यहाँ होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आउटपुट, यानी ये दोनों क्या है हमारे, आउटपुट हैं, ये दोनों इनपुट लिखा है, ये राइट और लेफ्ट, लेफ्ट राइट इनपुट आउटपुट, लेफ्ट और राइट आउटपुट। तो मैंने करा इन दोनों के जो इनपुट सिग्नल थी लेफ्ट राइट, उनका जैक ये देखो यहाँ से निकाल रखा है ये,
ये इसका जैक था, ये आउटपुट साउंड का जैक है, ये इनपुट का जैक है। मैंने ये जैक लगावा था, इसको यहाँ से जैक को कट करके इसकी वायरें निकाल रखी है, जैक को कट करके, बस बाकी और कुछ नहीं करा है। बाकी मैंने यहाँ 18 वोल्ट से 5 वोल्ट बना रखा है, यहाँ पे 18 वोल्ट थे 78.08 और 78.012 है, तो वो भी लगा लें, फिर 78.05 लगा लें, मेरे पास यही था तो मैंने ये लगा लिया। उसके बाद ये हमारा हो गया है कम्प्लीट। अब हम इसको कर देते हैं फिट, ऐसे हमने फिट कर दिया। इस पर हम बाकी एक दो स्क्रू लगा लेते हैं, ये हमने फिलहाल के लिए एक स्क्रू लगा दिया। अब हम कर लेते हैं इसका पावर इन, ये आप देख सकते हैं लाइट हमारी जल चुकी है। ये हमारा हमिंग कर रहा है, एक मिनट, इसको हम रिमूव करते हैं। हम इस लेफ्ट राइट में से केवल एक ही चैनल का कनेक्शन देते हैं फिलहाल, ये, और अब हम इसकी पावर ऑन करते हैं। ये हमारी पावर ऑन हो चुकी है, कोई हमिंग नहीं है। अब मैं इसका साउंड इन करता हूँ, ये मैं ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ इसका। ये हमारा ये आया लास्ट में, देख सकते हैं इधर, ये मैंने ये लास्ट में है, क्लिक करा और ये पैर के लिए बोल रहा है, और ये हमारा कनेक्टेड हो गया। अब मैं इसको सबको हटा देता हूँ और अपना YouTube खोल लेते हैं हम इसमें। ये हमने डाटा खोला, ये रहा हमारा YouTube, इसमें हम सर्च कर लेते हैं सॉन्ग, ये हमने कर दिया प्ले। यहीं पे ये हमारा ऊपर वाला अभी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ये खराब हो रखा है या आईसी में कोई दिक्कत है, बाकी नीचे वाला पोर्ट हमारा काम कर रहा है। आप देख सकते हैं ये इसमें से आवाज आ रही है, we
दोस्तों वीडियो सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर, आज के लिए इतना ही।